2024 में जीत को सुनिश्चित करने में बीजेपी लगातार लगी हुई है। एक के बाद एक प्लान के तहत विभिन्न वर्गों को पार्टी साधने की जुगत में जुटी है। महिला, दलित, अल्पसंख्यक हर वर्ग पर पार्टी की खासा नजर है। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम और नवरात्रि पर हर मंडल में कन्या पूजन के कार्यक्रम के बाद आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने खासा प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव 2019 और 2014 में बीजेपी की जीत और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में माना जाता है कि आधी आबादी का सबसे अहम रोल था। इसलिए नारी शक्ति के अभिनंदन के जरिए पार्टी एक बार फिर जीत का सहरा पहनना चाहती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी चयन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का असर देखने को मिलेगा। पार्टी ने कथनी और करनी को एक साबित करने के लिए 20 से 30 फीसदी तक महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की तैयारी की है। अब जब पार्टी महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है तो ये जरूरी हो जाता है कि इस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सो पार्टी ने आधी आबादी को साधने के लिए स्मार्ट महिला अभियान की रूपरेखा तैयार की है। आधी आबादी को साधने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई योजना। लोकसभा चुनाव तक चलेगा आधी आबादी से संपर्क अभियान। हर वर्ग की महिलाओं से संपर्क करेगी बीजेपी। चिकित्सा, वकालत, व्यापार से जुड़ी महिलाओं से होगा संपर्क। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पार्टी से जोड़ेंगे। बता दें, नवरात्रि पर महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी हर मंडल में कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसे लोकसभा चुनाव के पहले महिला वोटर को लुभाने की कवायदों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि हर मंडल में होने वाले कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के लिए बड़े सभागार या हॉल बुक किए गए। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये कोशिश कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारतीय जनता पार्टी से महिला सांसद कौन कौन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 2019 की बात करें तो स्मृति ईरानी ने अमेठी से जीत हासिल की थी। हेमा मालिनी का नाम आता है। मथुरा से उन्होंने जीत हासिल की थी 2019 में ही। मेनका गांधी सुल्तानपुर से उन्होंने जीत हासिल की। रीता बहुगुणा जोशी जिन्होंने प्रयागराज से जीत हासिल की। और साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से इन्होंने परचम लहराया। संगमित्रा मौर्य की बात करें तो बदायूं। केसरी देवी पटेल की बात करें तो फूलपुर। और रेखा वर्मा की बात करें तो धौरहरा से जिन्होंने जीत